व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। ये सीधी तस्वीरें शाहीन बाग 7 नंबर से दिखा रहा हूं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं और मैं आया हुआ हूं सर सैयद एजुकेशन रिवोल्यूशन मिशन के कैंपस में, जहां UPSC की तैयारी कराई जाती है। ये लड़कियां हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से आई हुई हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है। हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये सब लोग यहाँ शाहीन बाग कैसे पहुँचे, इस UPSC की तैयारी में कैसे हिस्सा बन पाए। ऐसे दौर में जहाँ पेरेंट्स डरते हैं अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकालने में, और 10 बार वो सोचा करते हैं। इस कैंपस में बड़े पैमाने पर लड़कियाँ मुझे दिखी, बड़े पैमाने पर लड़के हमें दिखे, और एक शानदार कैंपस शाहीन बाग के इलाके में है जो देश को खूबसूरत बना रहा है। हम इन लड़कियों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस कोचिंग के बारे में। मेरा पहला सवाल ये होगा कि इस कैंपस में आप आई हैं, आप कैसे आई हैं और क्या मिल रहा है आपको यहाँ से? मेरा नाम शगुफ्ता दानिश है और मैं UP के गाज़ियाबाद से आई हूँ। मुझे यहाँ पे V2 मीडिया एक प्लेटफॉर्म है YouTube पे, वहाँ से मुझे पता लगा, और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, मैं ऑलरेडी ZFI से हूँ, तो वहाँ कुछ एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता लगा, वहाँ मैंने यहाँ एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं यहाँ पर आई। ऐसे दौर में जब पेरेंट्स मोस्टली अपनी लड़कियों को भेजते नहीं हैं, बाहर नहीं निकालते, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में हम देखते हैं, और आप UPSC का सपना लेके दिल्ली आई हैं, पैसे खर्च कर रही हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी, आपके पेरेंट्स की, और या दूसरे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँ, और मुझे यहाँ पे लगता भी है कि मैं फोकस होकर पढ़ाई कर सकती हूँ। और सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बाहर निकालें, अपनी लड़कियों को बाहर निकालें, और उन्हें ये कॉन्फिडेंस दे कि वो बाहर रह के भी कुछ कर सकती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है महिलाओं को आज़ाद करने का, और देखिए कि महिला क्या कमाल करती है। इस लड़की ने शब्दों में बयान कर दिया है कि महिलाओं को ज़रूरत है, लड़कियों को ज़रूरत है कि वो घरों से बाहर निकलें, समाज को अच्छा योगदान दे सके। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आई हैं, किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम हुआ? मेरा नाम अंसारी शगुफ्ता शफीक है और मैं UP से आई हूँ, बिजनौर से, और मैंने UPSC की स्टडीज़ जस्ट अभी स्टार्ट करी है, और ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ पे सब कुछ बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। और जब मैं यहाँ आई थी, मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में मेरे कज़न से पता चला है, सर ने जो यहाँ के इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे बिजनौर में, मैंने एग्ज़ाम्स दिया, उसमें मैं क्वालिफाई हुई और यहाँ पर एडमिशन हुआ। मेरे पेरेंट्स आए थे यहाँ पर, उन्होंने सर से बात करी, हैदर सर से, वो बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने समझाया यहाँ का एनवायरनमेंट, मेरे पेरेंट्स को सेफ लगा, सिक्योर लगा, इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आके यहाँ पे पढ़ सकूँ। आपने किस तरह से अपना सफ़र किया है और यहाँ तक पहुँची हैं? UPSC का सपना बहुत बड़ा होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक IAS और IPS, आपको ये हिम्मत कहाँ से आई, मोटिवेशन कहाँ से मिला कि इतने बड़े सपने को लेकर आप दिल्ली पहुँची हैं? मोटिवेशन मुझे हैदर सर से मिला था, उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझाया, मुझे UPSC के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, उन्होंने हर एक जो भी यहाँ पे स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम्स के, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और बताया कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर हम हार्ड वर्क करें और स्टडीज़ को डेडिकेटेड रहे तो हम बहुत ईजीली जो है ये एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन कितना शानदार काम कर रही है, लोगों को, महिलाओं को एक रास्ता दे रही है कि आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप मुझसे पूछिए कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, तो मैं बार बार कहूँगा तालीम, तालीम, तालीम। ये ऑर्गेनाइजेशन तालीम को लेकर कितना बड़ा काम कर रहा है। बेटा, आप अपने बारे में बताइए, और आप क्यों UPSC की तैयारी कर रही हैं, क्या वजह है, किसने मोटिवेट किया, आप कैसे आई हैं, और दूसरी लड़कियों के लिए आप मैसेज ज़रूर दीजिए। सर, मेरा नाम सना सिद्दीकी है एंड मैं फ़िलहाल अभी जामिया से ही मतलब मास्टर करके यहाँ आई हूँ, और मेरे ये इंस्टीट्यूट के बारे में मेरे फ्रेंड्स एंड V2 मीडिया से पता चला, और मैंने फॉर्म भरा और उसका सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे आई थी। यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मतलब मोटिवेशन बहुत, हर दिन हर टीचर्स मोटिवेट करते हैं बच्चे को, और खासकर गर्ल्स के लिए बहुत, आजकल गर्ल्स मुस्लिम कम्युनिटी में गर्ल्स की पढ़ाई बहुत कम हो रही है, तो हमने इस इंस्टीट्यूट से आके देखा कि हर जगह से लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं अपना, और अच्छा मुकम्मल हासिल कर रही हैं नॉलेज। बिल्कुल, आपने सही कहा है, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उन सारी तस्वीरों को आप तक पहुँचा सकें, इन बच्चियों से बातचीत करके
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देश में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहा है। एक बच्ची और भी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बेटा आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं, किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को आप देख रही हैं, आप लोगों को किस तरह से यह ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदा पहुँचा रहा है, आपको क्या लगता है यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या चेंजेस आए हैं आपके ज़िंदगी में? जी, मेरा नाम जसमीत कौर है और मैं बठिंडा पंजाब से बिलोंग करती हूँ। सर, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पे सेकुलरिज्म है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कुछ रिलीजन्स को लेके नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी गर्ल्स के लिए बहुत है, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी साथ में सर आपको एजुकेशन स्किल भी देते, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं इस चीज़ के लिए। सर मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा। सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहेंगे सर, यहाँ पे ना इन्वायरमेंट अच्छा है, लाइब्रेरी, और सर सबसे मैं वेजिटेरियन हूँ प्योर, उसके लिए सर मुझे बहुत अच्छा, ऐसे नहीं है कि आपको नॉनवेज खाने के मतलब फोर्स किया जाएगा। मुझे सर खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुल मिला के सर अच्छा एनवायरनमेंट मिला। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज दे रही है ये बच्ची, क्योंकि इस कैंपस में जिस तरह से फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो बच्चे अपने दिल से बातचीत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे एक बच्ची से और बातचीत करने की। आप ज़रूर हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आप यहाँ कैसे पहुँची, किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को आप देख रही हैं अपनी ज़िंदगी में। सर, मेरा नाम रुखसार है, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही हूँ, और ये ऑर्गेनाइजेशन का पता मुझे वी टी मीडिया प्लेटफॉर्म है एक, वहाँ से पता चला था। लेकिन यहाँ आने के बाद ये हमें हॉस्टल भी प्रोवाइड कराते हैं, हमारी हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ सदफ मैम, हैदर तस्नीम सर देखते हैं। हैदर तस्नीम सर बहुत कॉपरेटिव हैं, अगर हमें छोटी सी भी क्वेरी होती है हम रात को 12 बजे भी बोलते हैं, सर हमें ये समझ नहीं आता, सर फौरन कहते हैं कोई बात नहीं, आप मेरे ऑफिस में आइए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत कॉपरेटिव है। और सर यहाँ पे आने के बाद ये नहीं है कि मतलब लड़कियाँ आज के टाइम में ऐसा है कि बाहर नहीं निकलती, पेरेंट्स है या माहौल ऐसा हो चुका है कि बाहर नहीं निकल पा रही हैं। मेरा यही है कि पेरेंट्स से अपनी लड़कियों को बाहर निकालें, माहौल से ना डरें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बॉयज़ के लिए अलग सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए अलग सीट्स हैं, गर्ल्स अलग बैठती हैं, और जहाँ कहीं कुछ भी क्वेरी होती है सर मैम एकदम फौरन खड़े रहते हैं, एकदम तैयार रहते हैं। और यहाँ पे दो दो लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड होती हैं, एक यहाँ पर है, एक जहाँ हमारा मैस है वहाँ पर है, दो लाइब्रेरी हैं हमारे पास। और मैस में भी खाना बहुत हमें अच्छा दिलाते हैं सर, जो हमें क्वेरी होती है हम कहते हैं सर खाना अच्छा नहीं है, सर फौरन जाकर वहाँ पर देखते हैं, हमारे साथ बैठ कर भी खाते हैं कई बार, तो हमें काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है। और यहाँ पर आने के बाद अभी हम फ्रेशर्स से, हमें नहीं पता था कैसे तैयारी होती है, स्टार्टिंग में सर ने हमें बहुत हेल्प किया, हमें क्लासेस चल रही हैं, हमारी क्लासेस भी हुई हैं काफ़ी। उसके बाद हमें बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए, क्योंकि UPSC जो है सर ये एक दिन का, दो दिन का, कुछ महीने का खेल नहीं है, इसमें कम से कम एक साल, दो साल, बहुत से लोगों को चार चार साल लग जाते हैं। तो वो है कि हम रूट से हमारी तैयारी करा रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन करा रहे हैं ये लोग। और आप आइए इस इंस्टीट्यूट में, एंट्रेंस दीजिए और एंट्रेंस क्लियर कीजिए, और ख़ासकर मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी कि वो एंट्रेंस ज़रूर दें इसका। बिल्कुल, हमने कोशिश की उन सारी तस्वीरों को आप तक पहुँचे। एक बच्ची और है, मुझसे भी बातचीत करेंगे। बेटा आप कहाँ से आए हैं, हमारे व्यूवर्स को बताइए, और किस तरह की फैसिलिटीज़ ये दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन? मेरा नाम निशा है और मैं यही दिल्ली से रहने वाली हूँ, और ये मेरा सेकंड सेशन है, मैंने पहले लास्ट ईयर भी आई थी और इसे भी, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कहीं और नहीं मिल सकती इतने अच्छे तरीके से, जो यहाँ मैंने यहाँ पे दोबारा से रिजॉइन किया। लगातार इस तरह के पॉजिटिव न्यूज़, एनर्जेटिक न्यूज़ प्लाज्मा न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।